गुड मॉर्निंग तो नहीं कहूँगा बिकॉज़ अभी रात के 11 बज गया है। आई नो ये एक व्लॉग स्टार्ट करने का काफ़ी ऑड टाइम है, पर मैं अभी अभी खाना बनाते समय सोच रहा था और मैंने रियलाइज़ किया कि आपको मैं सिर्फ दिन में नज़र आता हूँ। यू गाइज हैव नेवर सीन मी एट नाइट टाइम। जब मेलो डाउन करने का समय होता है तब आप लोगों ने मेरी लाइफ में क्या क्या होता है वो कभी नहीं देखा है। सो 11 PM मैं हर दिन विदाउट फेल 11:45 को लाइट्स बंद करता हूँ एंड आई ट्राई टू गो टू स्लीप। 10:45 PM से लेके 11 PM तक कभी भी मैं अपना मील खाना स्टार्ट करता हूँ और मेरा रात का मील काफ़ी स्टैंडर्ड रहता है। 80 to 100 grams ऑफ ओट्स डिपेंडिंग ऑन कितने कैलरीज बचे हैं, और 2 एग सैंडविचेस, 2 होल एग्स, 4 स्लाइसेस ऑफ टोस्ट। और ये खाते समय मैं यूजुअली अपनी जो रूम है वो कूल डाउन करता हूँ, गेटिंग रेडी टू स्लीप। काफ़ी कोजी लगता है। लेट मी शो यू गाइस, यहाँ पर एसी चालू है, वार्म वार्म लाइट्स है। ज़्यादा कूल टेम्परेचर की लाइट्स मैं अवॉइड करता हूँ। इवन फ़ोन पे मैं नाइट शिफ्ट एक्सेट्रा चालू करता हूँ सो दैट माई रिकवरी कैन बी ऑप्टिमल। घर पे अभी सब लोग सो रहे हैं। यूजुअली मेरी फैमिली 10:45 को सो जाती है एक्सेप्ट मी, बिकॉज थोड़े से मील्स खाने पड़ते हैं। दैट ब्रिंग्स मी टू द टॉपिक। एस्पेशली पोस्ट डेज के पहले मुझे लगता है कि अपने मील्स को कभी स्किप नहीं करना चाहिए। इंस्टेंटली फ़र्क नज़र आता है। अगर मैं आज अंडर ईटिंग करूँगा तो कल के सारे पुशिंग मूवमेंट्स पे मेरी स्ट्रेंथ थोड़ी सी अफेक्ट होगी। हेंस आफ्टर हिट माई कैलरीज मैं ये खाऊंगा, थोड़ा सा यूट्यूब देखूंगा, गाने सुनूंगा, चिल आउट करूंगा और आप लोगों से कल सुबह मिलूंगा। बाय बाय, गुड नाइट। मैं ट्रेन करने के लिए ऑलरेडी एक्साइटेड हूँ। ट्राइसेप्स काफ़ी ग्रो हुआ है, चेक दैट प्रोग्रेस गाइस, प्रोग्रेस। अच्छी टेक्निक और मेहनत। आज मुझे गट फीलिंग आ रही है कि वर्कआउट बहुत अच्छा जाने वाला है। 4 दिन पहले मेरा पेट थोड़ा सा खराब हो गया था, इसीलिए मैंने 4-5 दिन अच्छे से खाना नहीं खाया एंड आई लॉस्ट अराउंड 1 to 1.5 kgs। पर वो होता है ना कि सिक मतलब बीमार होने के बाद जब आप वापस खाना खाने लगते हो तो आपके सारे ग्लाइकोजन रिजर्व्स भरने लगते हैं, आपकी फुलनेस वापस आ जाती है। आज ऑफिशियली मेरी फुलनेस वापस आ गई है एंड मैं थोड़ा सा लीन भी हूँ, इसीलिए बहुत हाई चांसेस है कि पंप बहुत बड़ी आने वाला है, आपको फुटेज में भी दिखेगा। एंड टुडे बहुत सारे दिनों के बाद मैं अपना कैमरा लेके जाने वाला हूँ एंड मैं 16mm लेंस पे शूट करने वाला हूँ। इस लेंस का एडवांटेज है कि ये एक 1.4 लेंस है, सो f1.4, जिससे बोका इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। मेरी जो दूसरी लेंस है वो भी बहुत अच्छी है, ये वाली जो मैंने जनवरी में खरीदी थी। ये एक जूम लेंस है सो सिनेमैटिक शॉट्स एक्सेट्रा बहुत अच्छे आते हैं, बट इट्स f2.8। अगर ये लेंस f1.4 में आती तो मतलब बस मैं जिंदगी भर खुश रहता। बाय। ऑलराइट, मजा आएगा। आज लकीली मुझे गाड़ी नहीं चलानी है, मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा बिकॉज वी हैव अ गेस्ट और इस गेस्ट को आपने बहुत सारे महीनों में नहीं देखा है। महर, वी नीड अ लाइफ अपडेट। नॉट मच डू, चिलिंग, जस्ट आई एम गोना ग्रेजुएट कॉलेज देन आई एम आउट ऑफ हियर। यू नो व्हाट वी शुड डू बिफोर यू लीव? व्हाट? पॉडकास्ट पार्ट 2। यू नो आई हैव ओनली बीन ऑन योर चैनल। Food challenge. Video you, yeah, challenge. Which food video? Something food challenge you wanted to do, right? Something about switching diets or something. Haan. But fuck that, you should do that with Diva now. Yeah. More views also. Yeah. So shameless. Couple content. Do please do a couple workout, like when you like do push-ups on each other and she. Stuff. Please, 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 I'll shoot it also. So funny. What are you training? What are you training? I've got push. I've missed quite a few days, so I can do anything. Do push. Should I do incline dumbbell or weighted push-ups? I'm leaving it on you. Push-ups with weight, yaar, Meher. I know, but like what, on your back? Yeah. Achha, boring. No, do dumbbell. Incline dumbbell? Yeah. What will you do? I'll do what you do. Theek hai, done. Yeah, I got 12.5 by the way on that. On incline? Yeah. That's strong. Yeah, that's my. 15 today. No, not yet.
वर्कआउट उन वर्कआउट सेशंस में से था जो मैं बहुत सारे दिनों के लिए याद रखूंगा, मेनली बिकॉज मेहर आई थी और मेहर आने की वजह से मुझे पिछले साल के बहुत मेमोरीज वापस आया। आई वॉज होपिंग डीप डाउन कि नील भी फ्री होगा, पर उसको कॉलेज में थोड़े से सबमिशन थे जिसकी वजह से वो आज नहीं आ पाएगा। पर मैंने उससे बात की, वो बोल रहा है कि वो मोस्टली कल आएगा, कल सैटरडे है और सैटरडे को उसका कॉलेज नहीं रहता। वर्कआउट की अगर बात की तो इन केस यू वांट टू ट्राई इट, मैंने इंक्लाइन डंबल के 3 सेट्स किए बहुत दिनों के बाद, मशीन चेस्ट प्रेस के 3 सेट्स, फिर आई डिड सीटेड डंबल ओवरहेड प्रेस, उसका मैंने 1 सेट लगाया और फिर आई वाज लाइक मुझे कुछ अलग ट्राई करना है, इसीलिए आई ट्राइड सिंगल आर्म डंबल ओवरहेड प्रेस स्टैंडिंग। आई लव्ड इट, मैंने 20 kgs के साथ किया, आई रेप्ड इट आउट, 11-12 reps मिले होंगे, आई वेंट क्लोज टू फेलियर, दैट इज इम्पोर्टेंट, एफर्ट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। और मैं सोच रहा हूँ कि आगे के जो भी पुश डेज होंगे उसमें मेरी मेन वर्टिकल प्रेसिंग मूवमेंट वो रहेगी। काफी आसान है सेटअप करने के लिए, आपको एक हाथ में डंबल पकड़ना है, दूसरे हाथ से किसी चीज को पकड़ना है फॉर सपोर्ट एंड देन यू प्रेस अप। ट्राइसेप पुश डाउन, ओवरहेड एक्सटेंशन, लैटरल रेजेस मैंने नहीं किया बिकॉज आई वाज टू फ्राइड, वो मैं कल पुल वर्कआउट के बाद करूंगा। क्या खाए घर पे, अगर कुछ बना होगा मेथी की सब्जियां ये मैं ले सकता हूँ। वैसे दो मेन कंटेंडर्स है, आइदर मैं वापस एग सैंडविच बनाऊंगा या तो प्रोटीन ओट्स, आई थिंक आई विल गो विद प्रोटीन ओट्स। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है फ्रॉम इंस्टा मीम्स, ब्रो एज अ प्योर वेजिटेरियन कैन वी हिट अ प्रोटीन इनटेक, कैन यू गिव अस रेसिपी प्लस फुल डे ऑफ ईटिंग ओनली वेज विदाउट प्रोटीन पाउडर बिकॉज आई कैन नॉट अफोर्ड इट। अब फुल डे ऑफ ईटिंग मुझे ऑनेस्टली नहीं बनाना है बिकॉज मुझे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज से थोड़ा सा बोर हो गया है। आई फील लाइक जो भी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट शेयर करना था वो मैंने ऑलरेडी कर दिया है, बट आई कैन गिव यू वेरी गुड टिप्स खास की वेजिटेरियंस के लिए। मैंने पता है आजकल मेरी जो चिकन खाने की फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी कम हुई है। अगर आप अंडे खा सकते हो तो आपको 24 grams एक्स्ट्रा प्रोटीन मिल सकता है, बट इफ़ यू कांट मेरे पास आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे टिप्स हैं। सबसे पहले अपने डाइट में ये 3 चीज़ें हर रोज खाओ विदाउट फेल, नो एक्सक्यूजेस। सबसे पहली चीज़ है 100 grams ऑफ सोया। सोया आपका बेस्ट फ्रेंड होने वाला है, नो सोया से आपका ईस्ट्रोजन लेवल नहीं बढ़ता। अगर आप मेरी बात नहीं मानते खुद का रिसर्च करो, फाइटो एस्ट्रोजन नाम की एक चीज़ होती है, दैट इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द एस्ट्रोजन दैट वी नो ऑफ, उस पर आप खुद का रिसर्च कर सकते हो। अपने डाइट में 100 ग्राम सोया ऐड करो, उससे आपका 54 ग्राम्स प्रोटीन सॉर्ट हो जाएगा। अगले दो सोर्सेज उनमें कार्ब्स थोड़े से ज़्यादा है कंपेरेटिव टू द अमाउंट ऑफ प्रोटीन, बट दे आर स्टिल अमेजिंग सोर्सेज। सबसे पहले येलो दाल, 100 ग्राम येलो दाल से आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिल सकता है। दूसरी चीज़ है राजमा, अगेन पर 100 ग्राम रॉ वेट, सबका रॉ वेट लेना है, इससे भी आपको 25 grams मिल सकता है। अब सोचो अगर आप 100 ग्राम सोया खाओगे, 54 grams प्रोटीन, ये दो 100 ग्राम ऐसे दो मील्स में खाओगे, अगेन आपको 50 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। जस्ट इन दोनों से आपका 100 ग्राम प्रोटीन सेटिस्फाइड हो सकता है। अगर आप दाल और राजमा की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ाओगे तो यू विल गेट मोर प्रोटीन। सो आई थिंक ये 3 food sources आपके बेस होने चाहिए। दे आर वेरी रिच इन प्रोटीन, दे आर वेरी हेल्दी, प्लस उनमें फाइबर भी बहुत ज़्यादा होता है, ये आपके पेट को थोड़ा साफ रखेंगे, प्लस विल कीप यू सेटिस्फाइड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। आई होप दैट हेल्प्स। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है लीव दम डाउन बिलो, अगर आपका क्वेश्चन ऊपर आता है आई विल पिक इट इन माई नेक्स्ट वीडियो। इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया एक लाइक छोड़ देना, और दिल से पसंद आया किसी भी दोस्त के साथ ये वीडियो शेयर करना। अब मैं इस वीडियो को एडिट करूंगा और मिलूंगा आप लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो में। टेक केयर and stay safe.